आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी चिकन चाउमीन की रेसिपी, नूडल्स, पैटी, वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो बहुत ही यमी रेसिपी है, और तो इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। और जो ये मेरे पे थोड़ा सा रंग चढ़ा हुआ था, ये फाड़ ही चल रही है, इसको थोड़ा बेयर करें, तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। बॉइल करने के लिए हमने एक पॉट में पानी बॉइल कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून सॉल्ट। हमने डाल दिया है, और ये जब जब ये नीचे से नरम होते जाएंगे, ये सारे नूडल्स पानी में डिप हो जाएंगे। तो इसको हम बॉइल करेंगे, और ये तकरीबन 15 to 20 मिनट्स लेंगे। अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं ये, अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इनको ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे इनका ये जो स्टार्च ऊपर आ जाता है, जिससे स्पेक्टी बहुत चिपक जाती है, वो बिल्कुल सब रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको ठंडा पानी ले लेंगे और उसमें ये स्पेक्टिस ऐड कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाए और जितना भी इनका स्टार्च है वो निकल जाए इस तरह से। चलिए चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि चिकन मैंने ये फिंगर कटिंग में ले लिया है, आपकी चॉइस है, आप जैसे भी क्यूब्स में जैसे भी कटिंग कर सकते हैं। और इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूंगी, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टेबल स्पून व्हाइट पेपर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप रेडी करने के लिए हम 1/2 कप चिली केचप ले लेंगे, आप प्लेन केचप भी ले सकते हैं। और ये शिंग्रेला का इमली जिंजर सॉस है, 1/4 कप ये ले लेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सोया सॉस 4 टेबल स्पून, और इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस 4 टेबल स्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने 4 सर्विंग स्पून ऑयल ले लिया है, और मीडियम फ्लेम पे मैंने स्टार्ट किया है। और ये मेरे पास गार्लिक पेस्ट है, ये ऐड करेंगे इसमें, ये 2 टेबलस्पून भर के गार्लिक पेस्ट है ये ऐड करेंगे, और इसको हल्का सा सौते करेंगे। ये अच्छे से सौते हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मैरिनेटेड चिकन। चिकन को अच्छी तरह सौते करना है हमने यहाँ पे, और जब इसका ऐसे कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने ग्रीन चिलीज ऐड की हैं, इसमें कटिंग की हैं ऐसे बहुत मोटी मोटी कटिंग, बंद गोभी ऐड की है, इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। सौते हो चुकी है ये, अब इस पर हम ऐड करेंगे कैरेट्स, ये मैंने जूलियन कट में गाजर काट ली थी, ये ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कुक मैंने नहीं किया है इसको, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ग्रीन अनियन यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो उसका ग्रीन पार्ट है वो मैं बाद में यूज़ करूंगी, तो ये अनियन वाला पार्ट जो है वो ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं सारी वेजिटेबल अच्छे से सौते हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इनको नरम नहीं किया मैंने। और अब इसमें मैं ये ऐड करूंगी जो ये हमने सॉस बनाई थी वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, उसको इसको तेज फ्लेम में हमने कुक करना है। इसमें ऐड करेंगे वो नूडल्स जो हमने स्ट्रेन कर लिए थे, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए थे, उनका पानी बिल्कुल निकाल लेना है, इसको अच्छा सा मिक्स देंगे हम। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें जो मैंने ग्रीन अनियंस रखे थे अब हम इसमें ग्रीन अनियन ऐड करेंगे, ये सब इसमें ऐड कर देंगे।